हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस रेडियस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. ऑप्शंस आर आर क्यूब, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रूट ऑफ आर. वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट. तो बच्चों की कंसेप्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने के लिए. तो फॉर्मूला use calculate mean free path of molecules of a gas. सबसे पहले तो बच्चों ये जो mean free path होता है उसको lambda से denote करते हैं. तो lambda is equals to इसका जो formula है, जो expression है, that expression is 1 upon square root of 2 pi d square n. Here n is equals to नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी का मीन ये होता है बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड रूट टू और पाई तो कांस्टेंट है. पाई का वैल्यू 3.14 या 22.7 एंड डी इज इक्वल्स टू डायमीटर of molecules. आइए देखते हैं solution. तो it is very simple because of that we know that कि diameter जो होता है that is 2 times of radius. Okay? So ये जो formula है उसमें अगर हम value substitute करें तो lambda equals to 1 upon root 2 pi and 2 r square and n. So finally we have since 2 constant, I constant, ये 2 का square होगा तो 4 constant, n constant. So therefore lambda is inversely proportional to r square. Option B is the right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.